हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। देखिए स्टूडेंट, कल हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th में, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और उसमें हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और रिप्रोडक्शन के टाइप्स और फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन या कई इंपोर्टेंस ऑफ फंक्शंस हमने कल डिस्कस किए। और इसके साथ हमने एक टर्म और डिस्कस किया जिसका नाम था लाइफ स्पेन। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद उसकी क्या होती है, उसकी डेथ होती है। और डेथ से पहले उसका जो एक साइकिल होता है, एक लाइफ साइकिल होता है, जिसमें वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, इसको हम एक बार पार्टली रिवाइज करते हैं। इसका डेफिनेशन जो हमने कल लिखा था, इससे पहले एक टर्म देखा हमने लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जैसे कंप्लीट हुआ, ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई। देखिए इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इमोर्टल नहीं है, यानी यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म बर्थ होगा जिसका भी, उसकी क्या है, डेथ फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जब डेथ होनी है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सालों से है ना बहुत सारे स्पीसीज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं। तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है, उस प्रोसेस को हम अगर बात करें तो उसका जो मेन बेसिस है वो क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी। रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अपने जैसे किनको प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब आप समझ रहे होंगे, सिमिलर टू इटसेल्फ का यहाँ पे मीन है कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करें नीम ट्री से नीम ट्री, पीपल ट्री से पीपल ट्री ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ह्यूमन बींग से ह्यूमन चाइल्ड ही डेवलप होंगे। तो यहाँ पे सिमिलर टू इटसेल्फ का ये मतलब हुआ। अब देखिए, अब ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आगे चल के ये भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे। ठीक है, और उसके साथ ही फिर ये भी क्या करेंगे, इन टर्न प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जब ये एडल्ट होंगे और जब रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे तब ये भी क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूअसली क्या होता है, रनिंग होता है, चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी होते हैं। तो इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्शन के हमने डिस्कस किए थे कि इससे जो भी स्पीसीज है हमारी अर्थ पर, जितने भी स्पीसीज हैं वो अपनी कंटिन्यूटी को किसके थ्रू मेंटेन रखते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशंस आते रहते हैं, क्या डेवलप होते रहते हैं, वेरिएशंस डेवलप होते रहते हैं। और उन वेरिएशंस के कारण ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं, और इसके साथ ही जो वेरिएशंस होते हैं ये इवोल्यूशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही हमारी अर्थ पर जो लिविंग बींग्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो भी किसके कारण होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के कारण ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स के, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम डिस्कस करेंगे अभी, तो देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाउ मेनी पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो हम उसके बेस पर रिप्रोडक्शन को टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, यूनिपेरेंटल, यानी एक ही पेरेंट क्या करता है इसमें, ऑफस्प्रिंग को या कहें यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए जब एक ही पेरेंट जब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट, तो देखिए उसके जो कैरेक्टर्स होंगे, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा या कहे उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो कैसी होगी, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगी। उन ऑफस्प्रिंग की जो मॉर्फोलॉजी या कहे उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर वो हूबहू कैसा होगा, अपने पेरेंट्स का जैसा होगा, यानी जिनसे वो डेवलप हो रहे हैं, जिनसे वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो सारे कैरेक्टर उनमें वैसे ही होंगे जैसे उनमें पेरेंट में होते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमने एक टर्म यूज किया था जिसका नाम हमने
कल राइट किया था वर्ड पे क्लोन। तो ऐसे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लोन। क्या टर्म यूज करते हैं? क्लोन। तो देखिए क्लोन टर्म जो है ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग के लिए यूज करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर में और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जैसे अपन बात करें इसको समझे, जैसे एक पेन है, ये मेरे हाथ में क्या एक मार्कर है, ठीक है, सेम ऐसा ही इसी मार्कर की हम क्या बना दे, दूसरी कॉपी बना दे, क्या बना दे, एक और कॉपी बना दे, तो वो जो दूसरा मार्कर होगा वो भी सेम कैसा होगा, ऐसा ही होगा दिखने में भी, और उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा या बात करें इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो भी कैसा हो, सेम ही हो, तो उस हम दूसरे मार्कर को क्या कहेंगे, इसका क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसका क्लोन कहेंगे। तो ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, क्लोन होती है, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अगर अकरेंस की हम बात करें ये किन में होता है, तो कल हमने बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक मोनेरा एंड प्रोटिस्ट, तो उनके कारण उनमें क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे फिशन, सेकंड बडिंग, थर्ड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ हम बाई जूस्पोर, फिफ्थ है हमारे पास बाई कोनिडिया, और सिक्स पे हम बात करेंगे जेम्यूल्स। क्या बात करेंगे? जेम्यूल। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फिशन। फिशन प्रोसेस क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है फिशन। अब देखिए जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि फिशन में जो पेरेंट शेल है या जो कहें जो पेरेंट बॉडी है वो टू और मोर पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिशन प्रोसेस में जो पेरेंटल सेल जो होती है वो क्या होती है, टू और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो या दो से ज्यादा पार्ट में क्या होती है, वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ईच पार्ट क्या करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फिशन। क्या कहेंगे? फिशन। अब देखिए फिशन प्रोसेस जो है इसके भी टू टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। अब देखिए बाइनरी फिशन क्या होगा, यहाँ पे आपको बाई, बाई का मीन्स हम क्या निकालते हैं, टू, तो यहाँ पे जो पेरेंटल बॉडी है ये टू पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? टू पार्ट्स में यहाँ पे ये पेरेंटल सेल डिवाइड हो जाती है, और दोनों ही पार्ट क्या करते हैं, आगे ग्रो करके न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं या कहें न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो देखिए स्टूडेंट अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बाइनरी फिशन होगा। तो ये जो अमीबा और पैरामीशियम है ये बाइनरी फिशन के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका एक टाइप है बाइनरी फिशन, और ये इनमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके राइट कर सकते हैं, फिर मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, फिर हम इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट अमीबा जो होता है वो अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो इस तरीके से अपन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर ये आगे अपने साइज को और थोड़ा सा चेंज करेगा। फिर इसका जो न्यूक्लियस है ये भी देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमने इसका न्यूक्लियस ड्रॉ किया और आगे फिर ये दोनों पार्ट्स हैं, ये बीच में से ये दोनों पार्ट यहां से कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और साथ इसका न्यूक्लियस भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और फाइनली इससे टू डॉटर सेल्स यहां पे प्रोड्यूस होंगे जो आगे
न्यू अमीबा के फॉर्म में डेवलप होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट है और इसी से देखिए टू डॉटर सेल्स बन रही है। क्या बन रही है? टू डॉटर सेल्स यहाँ पे, टू डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों डॉटर सेल्स बन रही हैं, इनमें सारे कैरेक्टर्स होंगे। जेनेटिकली हम बात करें या फिर मॉर्फोलॉजिकली हम बात करें, ये कैसे होंगे? पेरेंट सेल, इसको हम बोल देंगे पेरेंट सेल। तो ये जो है इस पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कह सकते हैं अपन टू ऑफस्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं ये भी कुछ समय बाद क्या करेंगे? न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। ये भी क्या करेंगे? न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमने देखा बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए हमने दूसरा लिखा यहां पे मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन का हमने अमीबा में देखा, इसी तरीके से पैरामीशियम में भी होगा। अब मल्टीपल फ्यूजन में जैसा कि नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें जो पेरेंटल सेल है ना, वो काफी सारे पार्ट्स में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। काफी सारे पार्ट्स में क्या होगी? डिवाइड होगी। मल्टीपल पार्ट्स में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। और ईच पार्ट क्या करेगा? न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे स्टूडेंट? ईच पार्ट डेवलप इन न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन मल्टीपल फिशन पेरेंटल बॉडी डिवाइड इन मोर देन टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? इसका एग्जांपल हम देखते हैं प्लाज्मोडियम। इसको किसमें प्रेजेंट होता है? ये प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, या कहीं न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब हम सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बडी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, बडिंग। तो देखिए फ्रेंड, बडिंग जो होता है ये एक ऐसा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसके अंदर जो पेरेंटल सेल है या कहीं जो पेरेंटल बॉडी है उसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। उसमें क्या डेवलप होती है? कि आउटग्रोथ डेवलप होती है जो इनिशियली पेरेंटल बॉडी से क्या होती है? अटैच होती है। इनिशियली क्या होगी? पेरेंटल बॉडी से अटैच होगी और कुछ समय बाद वो अपनी पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाएगी? डिटेक्ट हो जाएगी, वहां से हट जाएगी और फिर वो जो जिसको हम बड कहेंगे, और वो जो बड है आगे चल के न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इसको डायग्राम से हम समझें। देखिए हम ईस्ट के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यीस्ट है इसके पेरेंटल सेल से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको हम बड कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? बड। और कुछ समय तक ये जो बड होती है, ये जो आउटग्रोथ होती है, ये पेरेंटल सेल से क्या होती है? अटैच होती है और उसके बाद फिर ये पेरेंटल सेल से डिटेक्ट हो जाती है, हट जाती है और न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में डेवलप हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये प्रोसेस होती है बडिंग, ठीक है? और ये एग्जाम, ये जो हमने डायग्राम बनाई किस में बनाया? यीस्ट में, यीस्ट में, ठीक है? और इस तरीके से ये पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें क्या होता है? बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको ये, ठीक है? अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है इसमें भी बडिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए हाइड्रा में भी बडिंग के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो एक बार आप इस डायग्राम को नोट करना चाहो तो कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम इस डायग्राम को रीच कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अभी मैं बाइनरी फ्यूजन का जो हमने डायग्राम बनाया अमीबा का, उसको हम अरेंज कर रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम हाइड्रा की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक आउटग्रोथ आपको दिख रही होगी इसके बॉडी पर, जिसको हम कहेंगे बड। तो ये जो बड है ये कुछ समय तक पेरेंटल सेल से अटैच रहेगी और कुछ समय बाद फिर क्या हो जाएगी, इससे हट जाएगी और हट कर न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में अपने आप को डेवलप करेगी। इस तरीके से हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। स्टूडेंट, तो ये हमने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स डिस्कस किए हैं, फिशन और बडिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। फिशन, इसमें जो पेरेंटल सेल है या जो पेरेंट बॉडी है वो टू और मोर पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइड होगी और ईच पार्ट क्या करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा। अब देखिए फिशन के हमने टू टाइप डिस्कस किए, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में जो पेरेंटल सेल है या जो पेरेंट बॉडी है, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ओनली सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल, यानी कि ये जो एसेक्सुअल है यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। कैसी है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी फिशन जो हो रहा है, तो बाइनरी फिशन के अंदर जो पेरेंटल सेल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगी और इसमें दो से ज्यादा में हो जाएगी, मोर देन टू पार्ट्स में यहाँ पे ये पेरेंटल सेल डिवाइड हो रही है। और जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पे टू पार्ट्स है तो टू डॉटर सेल्स बनेगी, या कहें टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर मोर देन टू पार्ट्स बन रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारे ऑफस्प्रिंग इसमें प्रोड्यूस होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए बडिंग प्रोसेस में हमने समझा कि बडिंग प्रोसेस के अंदर जो पेरेंटल सेल होती है या जो पेरेंट बॉडी होती है उसके अंदर उसके बॉडी से एक आउटग्रोथ डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, आउटग्रोथ डेवलप होता है। वो जो आउटग्रोथ है वो इनिशियली अपने पेरेंटल सेल से अटैच रहता है और वहीं से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। क्या लेता रहता है, न्यूट्रिशन, और फिर कुछ समय बाद वहां से वो क्या हो जाता है, हट जाता है। और हटने के बाद ठीक है वो क्या करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में अपने आप को डेवलप करेगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल भी इनके देखे और कुछ डायग्राम की हेल्प से भी हमने इसको समझने की कोशिश की। तो बाइनरी फिशन में एग्जांपल हम याद रखेंगे अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीपल फिशन में हम प्लाज्मोडियम का एग्जांपल याद रखेंगे और बडिंग में हम यीस्ट एंड हाइड्रा का एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। कौन सा फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट टाइप हमारे पास, ठीक है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होता है, ये कुछ सिंपल एल्गी जो होती है उनमें इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और इसमें भी क्या होता है, जो पेरेंटल सेल होती है, जो पेरेंटल बॉडी होती है, वो काफी सारे फ्रेगमेंट्स में या कई काफी सारे पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और ईच पार्ट क्या करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इसको प्रोड्यूस करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। और इसका एग्जांपल हम देखते हैं स्पायरोगायरा। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा जो है उसमें फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप डिस्कस कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होती हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनके थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब देखिए उनमें हम बात कर रहे हैं जूस्पोर, इनकी बात कर रहे हैं जूस्पोर। तो देखिए जूस्पोर जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जूस्पोर को अपनी डायग्राम नोट कर लिए होंगे, मैं अरेंज कर रहा हूँ उनको। देखिए जो स्पोर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्पोर, तो जो स्पोर जो होते हैं ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो
कुछ एल्गी जो होती है उनमें डेवलप होती हैं। तो जूस्पोर जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक, कैसी स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, माइक्रो साइज की होती है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल ऐसी होती है, मोटाइल, ठीक है, और इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल और फ्लैजिला से युक्त होंगी, और उन फ्लैजिला के हेल्प से ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। मोटाइल का मतलब आप समझ रहे हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो जूस्पोर किनमें बनेंगे, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास, इसमें देखेंगे क्लेमाइडोमोनास। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, हम एक डायग्राम बनाए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जूस्पोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, जूस्पोर, जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोना। तो इस डायग्राम का हम नाम लिख सकते हैं जूस्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास, क्लियर। स्टूडेंट ये जो डायग्राम्स है इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि आजकल जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको डायग्राम्स को अपनी एनसीईआरटी बुक की हेल्प से अच्छे से क्लियर करना है और उनकी भी प्रैक्टिस साथ में करते रहना है, ठीक है। और हर डायग्राम को आप बना के अपने रफ रजिस्टर में प्रैक्टिस करें एक बार दो बार, तो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट टाइप स्टडी किया जूस्पोर, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए फिशन के एग्जाम्पल याद रखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीपल फिशन, फिशन का, प्लाज्मोडियम, बडिंग का, यीस्ट, हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा, जूस्पोर का, क्लेमाइडोमोनास। जूस्पोर्स का हम क्या याद रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास, क्लियर फ्रेंड। तो ये कुछ टाइप्स हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे कोनिडिया एंड जेमनोस। तो देखिए कोनिडिया का जो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम में, और जेमनोस जो बनते हैं स्पॉन्स में बनते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस डायग्राम की हेल्प से करेंगे, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप प्रॉपर वे में वीडियो को देखकर इसको अच्छे से समझे और अपने नोट्स जो है प्रॉपर बनाते रहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेज होंगी उसमें हम उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। वैसे मैंने हर चीज को बार बार रिपीट करके आपको एक्सप्लेन किया है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ठीक है। और अभी तक हमने ऐसा कुछ हार्ड इसमें डिस्कस भी नहीं किया जो आपको नहीं समझ में आएगा, सारी चीजें क्लियरली आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।